सब्सक्राइब कीजिए शालनीज मैजिक किचन को और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालनीज मैजिक किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट मसाला मिर्ची फ्राई। ये मिर्ची फ्राई सिंपल से सिंपल खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। साथ ही अगर घर में कोई सब्जी ना हो तो भी आप इसे रोटी पराठे के साथ बनाकर खा सकते हैं। सभी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने करीब 100 ग्राम लंबी वाली हरी मिर्च ली हुई है। साथ ही ये मेरे पास थोड़ी छोटी हरी मिर्च रखी हुई थी, ये भी मैंने ले लिया है। इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इनको काटेंगे। सबसे पहले ये मिर्चें ज़्यादा लंबी हैं तो मैं इन्हें दो पीसेस में कट कर रही हूँ। इस तरह से इनमें बीच में कट लगा लेंगे, नीचे का पार्ट हटा देंगे और इसमें भी बीच में कट लगा लेंगे। इस तरह से जुड़ा रहना चाहिए। इसे भी इस तरह से काट लेंगे। छोटी वाली हरी मिर्च को भी इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे। मैं इन्हें डंडियों के साथ ही बना रही हूँ, आप चाहें तो डंडियाँ हटाकर भी बना सकते हैं। इसी तरह से सारी मिर्चों को कट कर लेंगे। ये मैंने सभी मिर्चों को कट कर लिया है। गैस पे पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। डालेंगे इसमें से थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। आधा चम्मच लिए सरसों के बीज, ये डालेंगे। आधा चम्मच लिए सौंफ, ये भी डाल देंगे। थोड़ी सी लिए हींग, साथ ही आधा चम्मच लिए कलौंजी, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। सभी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा अदरक बारीक काट कर रखा है, इसे डाल देंगे इसमें। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो एक दो कली लहसुन की भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम अपनी हरी मिर्च। फ्लेम को लो करें, इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें नमक। साथ ही थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सभी चीज़ों को। आधा चम्मच डालिए लाल मिर्च का पाउडर, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको कम तीखा खाना पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, साथ ही डाल लिए एक चम्मच पिसी हुई राई। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें एक मिनट के लिए ढककर पकाएंगे जिससे कि हमारी मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। एक मिनट हो चुका है, मिर्चों को चेक कर लेते हैं।
मिर्च हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट हो चुकी है। ये मैंने लिया है आधा कटोरी दही, ये ऐड कर देंगे इसमें। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है तो आप दही की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर दही थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा दही और ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इन्हें फिर से ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। मिर्चों को ढके हुए करीब 2 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इन्हें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। थोड़ा सा डालेंगे इनमें गरम मसाला। साथ ही 1 चम्मच डाल ली उसमें अमचूर पाउडर, ये हमारे मिर्चों को बहुत ही अच्छा चटपटा सा टेस्ट देगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी बहुत ही टेस्टी मसाला मिर्ची फ्राई बनकर तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन्हें एक बाउल में निकाल कर सर्व करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।